देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत के बीच एक बार फिर सब पटरी पर लाने की कवायद जारी है। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी थी और अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों को खोलने के लिए SOP जारी कर दिया है। दिखाते हैं आपको कि किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सरकार ने देश में पूर्णबंदी लगा दी थी ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके, लेकिन पूर्णबंदी के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने एहतियात बरतते हुए क्रमानुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है और अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो चुका है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते वक्त ही सरकार ने बताया था कि 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाएगा और आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों को खोलने के लिए SOP जारी कर दिया है। जी हां, इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे। सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखनी होगी। स्वास्थ्य मुसीबत से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही मास्क पहनना और सैनिटाइजर आवश्यक होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थीं। पीएम मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी पूर्णबंदी लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। फिर देश में अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया। फिलहाल अनलॉक 5 के तहत सिनेमाघर 7 महीनों बाद खुलेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।